देखा। हेलो फ्रेंड, आपको भी ऐसा टिकटॉक में वीडियो बनाना है ट्रेंडिंग वाला, तो ये वीडियो देखते रहिए। आप भी अपना फ़ोटो इसमें लगा सकते हो। तो ऐसा वीडियो कैसे बनता है, चलो देखते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक काइन मास्टर एप्लीकेशन है, उसको डाउनलोड करना पड़ेगा। ये देखो फ्रेंड, उसका सिंबल, इसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लेना। उसके बाद हम काइन मास्टर एप्लीकेशन ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ पे प्लस आइकॉन है, वहाँ पे हम क्लिक करते हैं और न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। इसमें से ए वाला रेशियो आप सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद यहाँ पे मीडिया का ऑप्शन है, इसको आप सिलेक्ट करना। उसके बाद इस वीडियो के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लेना। ये मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, सॉरी फ्रेंड। सबसे पहले आपको यहाँ पे एक बैकग्राउंड ऐड करना है, मीडिया में जाना है और यहाँ पे एक बैकग्राउंड है ब्लैक वाला, हम ये सिलेक्ट कर लेते हैं और इसको हम थोड़ा लंबा कर देते हैं, हमारा वीडियो है उतना तक। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे लेयर का ऑप्शन है, हम वहाँ पे क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पे मीडिया है और यहाँ से हम वो वीडियो सिलेक्ट कर लेते हैं। ये रहा मेरा वीडियो, ओके फ्रेंड। अब इसको हम फुल स्क्रीन में कर देते हैं यहाँ से, ओके हो गया। उसके बाद हम यहाँ पे हमारी इमेज लगा देते हैं, लेयर में जाते हैं, मीडिया में जाते हैं, वहाँ से इमेज लगा देते हैं, आप अपनी भी लगा सकते हो, ओके फ्रेंड। अब इसको थोड़ा पीछे ले लेते हैं इतना, ओके। अब इसको हम यहाँ से रोटेट करते हैं और यहाँ से इसको छोटा कर देते हैं, यहाँ से फिर से हम छोटा कर देते हैं, ओके फ्रेंड। अब इसको यहाँ पे रख देते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे थ्री डॉट है, ए रहे दिखे फ्रेंड, थ्री डॉट, उस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे फर्स्ट वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है, सेंड टू बैक। और आपको इस वीडियो की क्रोमा की है, इसको इनेबल कर देना है। यहाँ पे हमें इसको इनेबल कर देते हैं, यहाँ पे हम कलर सिलेक्ट कर लेते हैं एक ग्रीन वाला। उसके बाद इसको थोड़ा बढ़ा देते हैं, ओके फ्रेंड, आ गया हमारा फ़ोटो। फिर यहाँ से हम इसको कट कर देते हैं ये फ़ोटो को, ये देखो फ्रेंड, यहाँ से राइट ट्रिम, ओके फ्रेंड। अब इसको हम हमारा फ़ोटो को थोड़ा बड़ा कर देते हैं, पूरी स्क्रीन में आ जाएगा। चलो प्ले करके देख